जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर दिस वीक। टाइड अप कैप्रिकॉर्न, आई थिंक देयर इज अ एनर्जी ऑफ लाइक यू आर फीलिंग टाइड, कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे यू नो, आप कार्ड में देखिए, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दैट लेडी, शी इज़ ऑल टाइड अप, उसको समझ नहीं आ रहे। लाइक ऑब्वियसली रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी है इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इट्स अबाउट रिस्ट्रिक्शंस। यू आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। वेदर इट्स योर वर्क, वेदर इट्स योर लव लाइफ, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप विद एनी बडी एल्स, दिस इज़ द यू नो थिंग यू आर गोइंग टू फेस दिस वीक। ओके, मे बी इट्स अबाउट मनी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, आई थिंक सी यस, समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज। आई थिंक मनी से रिलेटेड भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि रिलेशनशिप इन हैंड बट यू आर फीलिंग स्टक, आपको समझ नहीं आ रहा, बिकॉज यू वॉन्ट दैट पार्टनरशिप, यू वॉन्ट दैट लव फॉर एवर काइंड ऑफ अ पर्सन विद यू। और येस, कुछ लोग हो सकता है कि आप मैरिड भी हों, तो ऑल इन ऑल मुझे बाउंडेशंस दिखाई दे रही है, मुझे वो रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। ऑन द अदर हैंड, योर पार्टनर, दे आर वेटिंग। आई थिंक ये जो पर्सन है, ठीक है, दे हैव इमोशंस एज वेल, बट मुझे लगता है, देखिए दो चीज़ें हैं कैप्रिकॉर्न, लेट मी वेरी क्लियर। एक वो हैं जो सिंगल हैं, उनके लिए आई थिंक न्यू रिलेशनशिप्स कमिंग, बट हो सकता है कुछ अड़चनें आ रही हूँ। मे बी किसी की मम्मी नहीं मान रहे हैं, मे बी किसी के पापा नहीं मान रहे हैं, मे बी किसी की नानी दादी, यू नो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या मे बी और कुछ रीजंस हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर मैरिड, देन आई थिंक ये जो पर्सन है लाइक बैरियर खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। कभी वो दे आर लविंग एंड कभी दे आर यू नो लाइक होल्डिंग अ सोर्ड, तो लड़ाई झगड़ा, दिस एंड दैट, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न के लिए वेटिंग। और मे बी हो सकता है आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, इमोशनल, फिजिकल, जो भी कह लीजिए। ओके, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर चेंज, समथिंग इज टॉक्सिक एंड समथिंग नीड्स टू बी क्लियर्ड आउट यहाँ पे। येस ऑफ कोर्स, शायद हो सकता है कि समथिंग टॉक्सिक इज गोइंग ऑन, समथिंग इज हिडन और स्टफ लाइक दैट, तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हो सकता है सडन कोई चेंज आए, यू नेवर नो। और या मेनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैप्रिकॉर्न के लिए दैट यू योर सेल्फ keeping yourself restricted for some reason, अपने आप को restrict कर रहे हैं due to some reason, मतलब finances हो या वट एवर, ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, अच्छा, कोई है जो आपके साथ बैलेंस लाना चाहता है, कोई है जो कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई है जो आपको चेकआउट कर रहा है, मे बी यू नो हो सकता है कि कोई इस कनेक्शन को ठीक करना चाहता हो, स्टिल दे आर प्रेइंग, दे आर मैनिफेस्टिंग, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे करियर की फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट बैलेंस, ठीक है। धीरे धीरे आई थिंक आपका जो बिजनेस है या जो भी है वो ग्रो करेगा, और इट्स अबाउट रिवॉर्ड, ब्यूटीफुल चेंजेस आर गोइंग टू कम, बैलेंस इज ऑल्सो गोइंग टू कम। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर होंगी, सो यू हैव टू गिव इट अ टाइम, एटलीस्ट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सो दैट आपने जो एफर्ट्स किए हैं उसके फ्रूट्स आपको मिल सकें। तो या, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, बट ओवरऑल दिस वीक सीम्स टू बी गुड फॉर यू। आई थिंक ग्रोइंग, ग्रोथ दिखाई दे रही है, और मे बी एन्जॉइंग और स्टफ लाइक दैट, या एक बैलेंस आता हो, या मे बी यू आर गेटिंग हेल्प एज वेल इन करियर कॉन्टेक्स्ट। तो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है? New energy, be receptive. I think you have to be receptive. Control करने की अगर कोशिश करेंगे, then there is nothing going to happen in your life. You can't control the situation, ठीक है।
अगर आप ऐसे करेंगे देन आई थिंक योर बोथ हैंड्स आर बिजी बिकॉज आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यू नो, और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं यू आर नॉट रेडी देयर टू ग्रैब इट. सो यू हैव टू बी लाइक दिस, ओके, इन फ्रंट ऑफ गॉड एट लीस्ट, डिवाइन एट लीस्ट, ठीक है ना. तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बट यू हैव टू फॉलो इट. बी रिसेप्टिव एंड समझने की कोशिश कीजिए. और दूसरा ये, एवरीथिंग इज़ विद इन यू, एवरीथिंग इज़ इन साइड अस ओनली. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, या जिस नज़रिए से आप देखते हैं चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए.